आज मतदान पहला राज्यना नेताओं और उम्मीदवारों भगवान आशीर्वाद मेळवा विविध मंदिरों में प्रार्थना करी। भाजप फरीथी सत्ता में आवी इतिहास रचवा मांगे छे, ज्यारे कांग्रेस सत्ता में परत फरवा मांगे छे। वडाप्रधान मोदी सहित नेताओं लोगों ने मतदान करने की अपील की। आज मुख्य प्रधान बसवराज बोम्मई, विरोध पक्ष नेता सिद्धरामैया, एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार भाग्य ईवीएम हासिल थी जैसे। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में 1985 थी सड़ंग बीजी वक्त कोईपण पक्ष की सरकार बनी थी। भाजपा विधानसभा की चूंटी जीती परंपरा तोड़वा मांगे। मतदान पूर्व सीएम भाजपा नेता येदियुरप्पाए मतदान कर। येदियुरप्पाए शिवमोगा शिकारीपुरा स्थित मतदान केन्द्र पर समर्थकों और परिवारजनों से पहुंचा था। मतदान सवार लांबी लाइन होवाथी मतदान लाइन में उभा रहा, तेमज मतदान करी पोताना नागरिक तरीके की फरज अदा करी मतदान करता पूर्वे देवदर्शने पहुंचा था। And I have also resigned for the chief ministership also. That is my own decision. Even then, people are giving respect like anything. And I am 100% sure that they are going to support us for next Lok Sabha election also. I wrote this as a letter. केन्द्रीय नाणा प्रधान निर्मला सीतारमणे पण बेंगलुरुना विजयनगर खाते मतदान कर्यु। मतदान करवा माटे लांबी कतार में उभा रहेला जोवा मळ्या। मतदान बाद कांग्रेस मेनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगावना मुद्दे कांग्रेस ने आड़े हाथ लीधी, तो साथ ज बेंगलुरु में इन्फ्रास्ट्रक्चर आगामी दिवसों में सारू थशे, कर्नाटक में उद्योगों ने प्रोत्साहन अपाशे तेम पण कह्युं, अने डीजीपी मामले विपक्ष पर प्रहार कर्या। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की। मैनिफेस्टो में लिख रही हो बेवकूफी का उदाहरण, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। इन्फ्लेशन का विषय मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, खोज ना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता क्योंकि उनके कार्यकाल को वो देखें। तो देश ना जानेता लेखक सुधा मूर्ति और इन्फोसिस ना स्थापक नारायण मूर्ति पण बेंगलुरु खाते मतदान कर्यु। बन्ने लोको मतदान माटे लांबी कतार में उभा रहा। मतदान कर्या बाद लेखक सुधा मूर्तिए कह्युं कि मतदान करवू मारू कर्तव्य छे, मतदान लोकतंत्र माटे महत्वपूर्ण छे, कोईपण लोकतंत्र में जो मतदारो नथी तो ते लोकतंत्र नथी। तेमणे बधाने मतदान करवा माटे अपील पण करी। Political savvy person, all those things I don't. I really don't worry about those things. I only think it's my duty as a citizen to cast my vote, and whatever I feel. Hey, new listen, please put your mic on. I have done, which is confidence. This is good. This is not good. But if we don't do that, then we have no right to criticize. कर्नाटक तुमकुर खाते शांतिपूर्ण माहौल में मतदान थयु, त्यारे श्रीराम सेना अध्यक्ष और करुणेश्वर मठ प्रमुख खंडोला सिंदालिंग स्वामी मतदान कर्यु। तुमकुर एक मतदान मथके पहुंचे मतदान कर्यु। कर्नाटक में कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमारे रामनगर कनकपुर में मतदान कर्यु। मतदान करता पहला श्री केनखेर मां मंदिर पहुंची पूजा अर्चना करी, जे बाद पोताना समर्थकों साथे मतदान करवा पहुंचा था। मतदान बाद भाजप पर कटाक्ष कर्यो हतो, साथे ज गृहप्रधान निर्मला सीतारमण पर पण निशान ताक्यो अने कह्युं कि निर्मला सीतारमण आ राज्यनुं प्रतिनिधित्व करे छे, परंतु तेमणे राज्यनी कोई मदद करी नथी। तेमनी कार्यकाळमां लोको भूखमरामां अने लागे छे कि तेओ अत्यार सुधीना सौथी खराब नाणा प्रधान छे। Nirmala Sitaram representing the state, let she first help this state. Not even a single incident which she has helped this state. Under her tenure, all our people are in starvation. She never helped people to have their double income. I think that is the worst ever finance ministry which has not looked to a common man. I told so many occasions that a banning of any organization, if it is against the constitution, it is a power vested with the union government, not in the state government. वर्ष 2024 ની લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, ત્યારે નીતિશ કુમાર વિપક્ષી દળોના અનેક નેતાને મળી ચૂક્યા।
आ दरमियान मंगलवार ओडिशा पुरी में नीतीश कुमार प्रदेश मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मळ्या। मुद्दे बातचीत करता नवीन पटनायके जणाव्यु कि अमारी मित्रता खूब जाणीती छे अने वर्षो पहला अमे सहकर्मी हता। जो कि तेमणे स्पष्टता आपता कह्युं कि गठबंधन मुद्दे मंगलवारे कोई चर्चा थई नथी। तेमणे कह्युं कि पुरी में बिहार भवनना निर्माण माटे बिहार सरकार ने जमीन फाळवामां आवी छे। आ पहेला नीतीश कुमार, कोंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टीना नेता अखिलेश यादव अने पश्चिम बंगाळना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने पण मळी चूक्या छे। तो भाजपा नेता तरुण चुग्गीए फरी एक बार ममता बेनर्जी पर गंभीर आरोपों लगाया। तरुण चुग्गीए कहूं कि ममता बेनर्जीए जिन्नानो नवो अवतार गणाव्यो, जेमने देश की प्रगति देश की दरेक वस्तु सामे बांधो होवानुं कह्युं। कांग्रेस पर शाब्दिक प्रहार करता कांग्रेस वोट बैंक माटे देश अने राज्यना भागला पड़वानुं काम करी रही छे। हवे कांग्रेस सोनिया गांधीना नेतृत्वमां देशमां टुकड़े टुकड़े गेंगनो एजेंडा चलावी रही छे। कर्नाटक माटे सार्वभौमत्व शब्दनो उपयोग देशनी एकता अने अखंडितताने पड़कारवा जेवो छे। देशना बंधारणनी हत्या करवा समान छे। कर्नाटकना सार्वभौमत्व विषय कांग्रेसना नेता सोनिया गांधीए करेली कथित टिप्पणी मुद्दे उद्धव ठाकरे समूहना शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदीए जणाव्युं कि भाजप प्रजाना मुद्दा उठावती नथी। तेमणे कह्युं कि वडाप्रधान मोदी अने भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डाए प्रचार कर्यो छे तेमां कर्नाटकनी सरकार केवी रीते चलावशे ते विषे वात करी नथी। चूंटणी पंचे जे मुद्दे कांग्रेस अध्यक्षने जे नोटिस फटकारी छे ए बाबत भाषणमां सामेल नथी। प्रियंका चतुर्वेदीए कह्युं कि चूंटणी पंचे निष्पक्ष रीते कार्यवाही करवी जोईए। તેમણે કહ્યું કે આજના સમયમાં એવી ફિલ્મ આવી રહી છે કે જેના કારણે લોકો મતભેદ થઈ જાય। જો કે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મુકાથી તેને વધુ પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે। ફિલ્મ ધ કેરર સ્ટોરી કાલ્પનિક હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો। जनता पार्टी तो जो तिनके का सहारा लेने की बात होती है वही काम हो रहा है। जो जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं। जो जो प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी ने प्रचार किया है उसमें कहीं भी कर्नाटका की सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलाएंगे, कर्नाटका की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उस बात का दिया है जो स्पीच का एक हिस्सा भी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो प्रेशर आ रहा है वो देख रही है, उनकी सरकार जा रही है और जनता का रुख है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इन चीजों को मुद्दा बना रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बेनर्जी की सरकार द्वारा फिल्म द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो त्यारे मुद्दे बातचीत करता भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोषे जणाव्युं कि ममता बेनर्जी फूटपाड़ो और राजकारणनी राजनीति करी रहा छे। तेमणे आरोप लगाव्यो कि ममता बेनर्जी की सरकार रोहिंग्या और घुसणखोरी करनारा लोको सामे योग्य कार्यवाही करती नथी। घोषे कह्युं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आतंकवाद पर बनेली फिल्म ने टेक्स फ्री करी छे त्यारे ममता बेनर्जी तेना पर प्रतिबंध मूकी हकीकत दबावानो प्रयास करी रहे छे। फिल्म केरल स्टोरी ने लईने विवाद दिवसे ने दिवसे वधी रह्यो छे। बंगाल अने तमिलनाडु फिल्म पर प्रतिबंध लगाया बाद हवे मोटो विवाद उभो थई शके छे। भाजपना सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुरे मोटो दावो कर्यो। तेमणे कह्युं कि भोपाल में पण केरल स्टोरी जेवी स्थिति छे, अहींया पण धर्मांतरण अने लव जिहादनी घटना बनी रही छे। प्रज्ञा सिंह ठाकुरना निवेदन बाद फरीकवार राजकारण गरमाई शके छे। फिल्म विशे वात करता सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुरे एम पण कह्युं कि केटलाक निर्देशको मारा जीवन पर आधारित फिल्म पण बनावा मांगे छे। फिल्म निर्माताओ, निर्देशको अने लेखको तेना माटे मारो संपर्क पण कर्यो छे पण हजु सुधी मैं आंगे कोई निर्णय लीधो नथी। विवादों वच्चे सपड़ाये लीधा केरला स्टोरी फिल्म ने हवे उत्तर प्रदेश की योगी सरकारे टेक्स फ्री करवानो निर्णय कर्यो। साथ ज फिल्म जोवा माटे सीएम योगी आदित्यनाथ स्पेशल स्क्रीनिंग पण आयोजित करी शके छे, जेमां तेओ पोताना सरकारना प्रधानो साथे बेसीने फिल्म जोशे। उत्तर प्रदेश पहला मध्यप्रदेश की शिवराज सरकारे पण फिल्म ने टेक्स फ्री जाहिर करी, उपरांत महाराष्ट्र दिल्ली में पण द केरल स्टोरी फिल्म ने टेक्स फ्री करवामां आवे तेवी मांग उठी। जो कि आ फिल्म वीकेंड में सारी एवी कमाणी पण करी। फिल्म द केरल स्टोरी ने लईने चाली रहेलो विवाद हवे सुप्रीम कोर्ट में पहुंची गयो। अरजदारोए फिल्म पर प्रतिबंध मुकवानो इनकार करता केरल हाईकोर्टना निर्णय सामे सुप्रीम कोर्टनो संपर्क कर्यो। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बले आ मामलानी वहेली तके सुनावणी करवानी मांग करी। बीजी तरफ केरल स्टोरी मामले 15 मेना रोज वधु सुनावणी हाथ धराशे। 5 मेना रोज केरल स्टोरी फिल्म द केरल स्टोरी ने रिलीज पर रोक लगावानो इनकार करी दीधो हतो। कोर्टे एम पण कह्युं कि फिल्मना ट्रेलर में कोई चोक्कस समुदाय विरुद्ध कंई पण वांधाजनक नथी। कोर्टे आदेश आपता पहेला फिल्मनो ट्रेलर जोई चुकादो आपती वखते कोर्टे कह्युं कि आ फिल्म में इस्लाम अने मुस्लिमों विरुद्ध कंई नथी।
पूरी जोवा माटे दर्शकों सिनेमा घरों में उमटी रहा है तो बीजी तरफ आ फिल्म ने लईने राजकारण गरमाई रह्यु छे। बंगाल में फिल्म पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो ने सिनेमा एसोसिएशन ने तमिलनाडु में फिल्म ने बतावानी ना पाड़ी दीधी। आ दरमियान यूपी और मध्यप्रदेश में फिल्म ने टेक्स फ्री कर देवामां आवी। आ फिल्म ने लगता विवाद हवे महाराष्ट्र सुधी पहुंची गयो छे। एनसीपी वरिष्ठ नेता जितेन्द्र आव्हाडे कहू कि आ फिल्म में जूठाणु बतावामां आव्यु छे। त्रण छोकरीओनी वार्ता 32,000 नी छे। वधुमां एक विवादास्पद निवेदन आपता तेमणे कहू कि आ फिल्म बनावनाराने फांसी थवी जोईए। तो केरला स्टोरी पर अगाउ जितेन्द्र आव्हाडे ट्वीट करीने सवाल कर्या हता, जे बाद विवादास्पद निवेदन आपता मामलो गरमायो हतो। ધ કેરળ ફિલ્મ કેટલીક જગ્યાએ ટેક્સ ફ્રી કરી દેવામાં આવી છે તો કેટલીક જગ્યાએ ફિલ્મ વિવાદાસ્પદ બની છે। ત્યારે ધ કાશ્મીર ફાઇલ અને બંગાળના નરસંહાર ફિલ્મના ડિરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રી મુદ્દે નિવેદન આપતા કહ્યું કે મમતા બેનર્જી કાશ્મીર ફાઇલ બંગાળના નરસંહાર પર ગંભીર આરોપ કર્યો, જેના કારણે અમે લોકોએ મમતા બેનર્જીને નોટિસ મોકલી અને જણાવ્યું કે તેમણે ફિલ્મ મામલે જે પણ નિવેદન આપ્યું છે તેનું તથ્ય શું છે તે જણાવે। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ ધ કેરળ સ્ટોરી વિશે વાત કરતા સીપીઆઈએમના નેતા બ્રિંદા કરાતે જણાવ્યું કે કેરળના લોકોએ જ કેરળ સ્ટોરી ફિલ્મને નકારી કાઢી, ત્યાંના લોકો આ ફિલ્મને મહત્વ આપી રહ્યા નથી। બ્રિંદા કરાતે કહ્યું કે આ ફિલ્મ કેરળની સ્ટોરી નહીં પરંતુ ભાજપની સ્ટોરી છે। આ માટે જ કેરળની સરકારે કહ્યું કે જ્યારે આ ફિલ્મમાં જૂઠાણુ ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે એ માટે લોકો તેને જોવા માટે જઈ રહ્યા નથી। બ્રિંદા કરાતે કહ્યું કે ફિલ્મના ટ્રેલરમાં 32,000 મહિલાઓની સંખ્યા આપવામાં આવી, પરંતુ જ્યારબાદ આ મુદ્દે નોટિસ પાઠવવામાં આવી ત્યાર પછી ટ્રેલરમાં 3 મહિલા કરી દેવામાં આવી। તેમણે કહ્યું કે ભાજપની સરકાર દરેક જૂઠાણાના ટેક્સ ફ્રી કરવા માંગે છે। કેરલા સ્ટોરી કા સવાલ હૈ, કેરલા મે હી યે ઇતના ફ્લોપ શો હો ગયા હૈ, ક્યુંકિ કેરલ કી જનતા યે જાનતી હૈ કે યે કેરલા સ્ટોરી યે બીજેપી કી પોલિટિકલ સ્ટોરી હૈ। બીજેપી કી કેરલા મે कोई भी वहाँ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनका कोई बेस नहीं बन रहा है। तो ये केरला स्टोरी नहीं है, एक्चुअली बीजेपी की स्टोरी है वहाँ। और इसलिए केरला की सरकार ने कहा कि भाई जब ये रियल स्टोरी नहीं है, इतना झूठ है इसमें, जनता खुद ही वर्डिक्ट दे रही है, जनता जा नहीं रही है फिल्म देखने के लिए। જમ્મુ કાશ્મીરની સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી એનઆઈએ તામિલનાડુમાં પણ દરોડા પાડ્યા। તામિલનાડુમાં 4 અલગ અલગ સ્થળોએ એનઆઈએની ટીમે દરોડા પાડ્યા। પ્રતિબંધિત સંગઠન પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં તપાસ માટે એનઆઈએની ટીમે દરોડા પાડ્યા। તામિલનાડુના મદુરાઈ, ચેન્નઈ, દિંદીગુલ અને થેનીમાં એનઆઈએની ટીમે દરોડા પાડીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું। દરોડા દરમિયાન એનઆઈએની ટીમે દિંદીગુલમાં એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી। શંકાસ્પદ શખ્સનું નામ મોહમ્મદ કેસર હોવાનું સામે આવ્યું। મોહમ્મદ કેસર મદુરાઈમાં પીએફઆઈનો અધ્યક્ષ છે, જેની અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં મુસ્લિમ અનામત પરની સુનાવણી 25 જુલાઈ સુધી ટાળી દેવામાં આવી। કોર્ટે ભાજપના નેતાઓ દ્વારા મુસ્લિમ અનામત નાબૂદ કરવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી। કોર્ટના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે અમે આ મામલાની સુનાવણી કરી રહ્યા છીએ તો પછી તેમણે કેવી રીતે અનામત ખતમ કરવાનું નિવેદન આપ્યું। કર્ણાટકમાં 4% મુસ્લિમ અનામત પાછું ખેંચવા સંબંધિત પેન્ડિંગ મામલા પર થઈ રહેલા રાજકીય નિવેદનોને સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ ગંભીરતાથી લીધા। કોર્ટે કહ્યું, જ્યારે કોર્ટનો આદેશ હોય છે ત્યારે તેમાં થોડી પવિત્રતા જાળવવી જરૂરી છે। જનરલ તુષાર મહેતાની વિનંતી પર કર્ણાટક મુસ્લિમ અનામત કેસની સુનાવણી સ્થગિત કરી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે સમલૈંગિક લગ્નના કેસને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી છે, તેથી આ કેસની સુનાવણી હાલ થઈ શકે તેમ નથી। મણિપુરમાં થયેલી હિંસા બાદ હવે સ્થિતિમાં સુધાર જોવા મળી રહ્યો છે। અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હાલમાં અણબનાવની કોઈ નવી ઘટના બની નથી। રાજ્યના તમામ 11 જિલ્લામાં કરફ્યુ રાહત આપવામાં આવી। આ મુદ્દે વાતચીત કરતા સુરક્ષા સલાહકાર કુલદીપસિંહે જણાવ્યું કે સામાન્ય રીતે સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ નથી, પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ હજુ પણ હિંસાની જાણકારી આવે છે, તેમાંથી પણ કેટલાક કિસ્સામાં અફવા હોય છે। તેમણે કહ્યું કે અમે સ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છીએ। મણિપુરના મુખ્યમંત્રી બિરેન સિંહ 8 મેના રોજ જણાવ્યું કે પ્રદેશમાં થયેલી હિંસામાં 60 લોકોના મોત થયા।
दिल्ली ने कोर्टे श्रद्धा वालकर की हत्या करनार तेना लीव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला सामे हत्या ने पुरावा नष्ट करने आरोपसर चार्ज फ्रेम कर आफ्ताब पूनावाला पर तेनी लीव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की क्रूरतापूर्वक हत्या करने आरोप है। दिल्ली कोर्ट ने एडिशनल सेशन्स जज मनीष खुराना नोध्यू कि प्राथमिक दृष्टि आरोपी आईपीसी की कलम 302 हेठ नोधाये गुना में संडोवायेलो होने जो कि आफ्ताब पूनावालाए आरोपों ने फगावीने ट्रायल की मांग की। आ मामले वधु सुनावणी पहली जून रोज हाथ धरवामां आवशे। दिल्ली पुलिस आ केस में 24 जानुआरी रोज 6629 पाना की चार्जशीट दाखिल कर गया वर्षे 18 मे रोज श्रद्धा वालकर की क्रूरतापूर्वक हत्या कर। श्रद्धा वाकर वाले केस में 302 आईपीसी एंड 201 आईपीसी में चार्ज फ्रेम कर दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें 1 जून 2023 के लिए लगाया है, जिसमें एविडेंस पर ये मैटर पहुंच गया है। तो कोर्ट रूम में भी जो जजमेंट है चार्ज फ्रेम किया गया है, तो उसके लिए प्राइमा फेसाई कि आफ्ताब पूनावाला ने ये क्राइम किया है और किन किन धाराओं में वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ों को भी अपने जजमेंट में मेंशन किया है कि किस तरीके से इसने क्राइम किया है, किस कौन सी डेट पर किया है, और सपोर्टिव एविडेंस बहुत सारे हैं। इन सारी चीज़ों पर मैम ने कंक्लूड करके जजमेंट सुनाया है। तो नेक्स्ट डेट इसमें 1 जून है। यस, मध्य प्रदेश में गमखार अकस्मात सर्जायो। मध्य प्रदेश खरगोन में एक बस पुल पर नीचे खाबकी, जेमा 15 लोगों की मौत है, जयरे 25 थी वधु मुसाफरो इजाग्रस्त थे। अकस्मात बाद राहत ने बचाव की टीम स्थल पर पहुंची थी। घायलों ने हॉस्पिटल ले जाया आया, तो बस में फसायेला लोगों ने बाहर काढ़वा की कामगिरी हाथ धराई थी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त कर। अकस्मात में भोग बनेला मृतकों परिवारजनों सहाय की जाहरात कर। अकस्मात में जे लोग मृत्यु थे परिवारजनों 4 लाख की सहाय की जाहरात कर। तो अकस्मात में जे लोग घायल थे 50,000 की सहाय जाहिर कर। दासनगांव और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है, वहां रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है, अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है, 20-25 लोग घायल हैं। सब 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है, पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। भारतीय हवामान विभागे वावाजोड़ा मोचाना पगले केरलना वायनाड में वरसाद की संभावना पगले येलो एलर्ट जाहिर कर्यु। 11 मे माटे येलो एलर्ट जाहिर करवामां आव्यु। बंगाल की खाड़ी में 10 मे रोज आ चक्रवात सर्जाई शके छे, जो कि हवामान विभागे प्रमाण करवामां आव्यु। इमरान खान भ्रष्टाचार केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हाजर थया हता, जे बाद तेमनी कोर्ट बहार थी ज पाकिस्तानी रेन्जर्से ज धरपकड़ करी। उल्लेखनीय छे के तोशा खाना केस सहित कुल 114 केसों इमरान खान सामे नोंधायेला छे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तेना फवाद चौधरी कहूं कि इमरान खान ने गिरफ्तार करने माटे तेओने चारे तरफ थी घेरी लेवामां आव्या हता। पाकिस्तान पूर्व वडाप्रधान इमरान खान की मंगलवार पाकिस्तानी रेन्जर्स द्वारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बहार की धरपकड़ कर। तो बीजी तरफ इमरान खान वकील ने मार मार्यो होवानो वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो, जेमां इमरान खान वकील ने मार मार्यो होवानो साफ नजरे पड़े छे। सूत्र पास की मळती माहिती अनुसार इमरान अने तेना वकील कोर्ट में हाजर थवा गया, जे दरमियान तेमना पर पण हुमलो करवामां आव्यो होवानो सामे आव्यो। पाकिस्तान पूर्व वडाप्रधान इमरान खान की धरपकड़ बाद शाहबाज शरीफ कहेवुं छे कि इमरान खाने संघीय सरकार सहयोग की ऑफर ने नकारी काढ़ी और कानूनी कार्यवाही बहिष्कार कर। हुमला विषय सत्य जाणवा रस दाखव्यो नहोतो, परंतु नाना राजकीय हेतु माटे निंदनीय घटना उपयोग कर्यो। पाकिस्तान पीएमए कहूं कि हेलिकॉप्टर दुर्घटना पछी सशस्त्र दलों शहीदों विरुद्ध सोशियल मीडिया में घातकी अभियान कोना निर्देश पर कर्या हता, शहीदों की मजाक उड़ावनार ट्रोल ब्रिगेड कई पार्टी। इजरायलना विदेश प्रधान एली कोहेन विदेश प्रधान एस जयशंकर साथ द्विपक्षीय वाटाघाटो करवा 3 दिवसीय मुलाकाते भारत आया। अगाउ इजरायलना मंत्री नवी दिल्ली में इजरायल एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडिया इजरायल बिजनेस फोरम में हाजरी आपी। दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत और इजरायलना विदेश मंत्री एली कोहेन ने हाजरी में भारत और इजरायल वच्चे 3 MOU पर हस्ताक्षर कर। इजरायलना विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि मैसेज है, हमेशा देश को ऐसा रहे रखे बांध के रखे
पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है। विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो, और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था, लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। कर्नाटक बाद राजस्थान में भाजपे चूंटणी तैयारी शुरू कर दी थी। आ संदर्भे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी बुधवार राजस्थान प्रवासे पहुंचाई तेमणे करोड़ों रूपया की योजनाओं लोकार्पण कर बाद विपक्ष पर शाब्दिक प्रहार कर। अपना देश में केटलाक लोग विचारधारा शिकार बनया है, नकारात्मकता भरेला है, देश में कई सारू थाय नहीं मांगता, विवादों उभा करवा गमे। वधुमां कह्युं कि देश में तमाम प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व रोकाण थई रह्युं छे, काम अभूतपूर्व गतिए चाली रह्युं छे। रेलवे होय, हाईवे होय, एरपोर्ट होय, भारत सरकार दरेक क्षेत्र में हजारों करोड़ रूपयानुं रोकाण करी रही है।